हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द फेस्टिवल सीरीज। और ये है एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन कर रहे होंगे फॉर इंडिपेंडेंस डे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, माय नेम इज राजेश, आई एम ए कैनवा क्रिएटर एंड कैनवेस्टर। तो इस वीडियो में हम लोग इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करेंगे। एंड आप सभी को पता है कि इस साल हम लोग 78th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सो आवर मेन फोकस विल बी ऑन दिस 78। सो नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, दैट ये वीडियो में मैं ब्रेकडाउन मेथड से हर एक स्टेप्स को शो कर रहा हूँ कि कैसे मैंने इस पोस्ट को क्रिएट किया है, सो दैट कम समय में मैं आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकूं। और इसी के साथ में मैंने जो भी एलिमेंट्स को यूज किया है उसका एक एसेट्स फाइल क्रिएट किया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, एंड यूज कर सकते हो फॉर योर फर्दर रेफरेंस। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एसेट्स हम यूज कर रहे होंगे। एज यू कैन सी, हमने एसेट्स में हर एक चीज को अरेंज करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कलर के बारे में। तो सबसे पहले देख, जैसे कि यहाँ पे हमने व्हाइट कलर को रखा है, देन ब्लैक कलर, उसके बाद से हमने फ्लैग कलर डेट इज सेफरन, और सेफरन के ही एक लाइटर टोन को हमने यूज किया है, देन ब्लू फॉर द अशोक चक्र, एंड देन उसके बाद से दिस ग्रीन कलर एंड लाइटर टोन ऑफ द ग्रीन कलर। तो ये देखा जाए तो ये जो तीन कलर है, मतलब ये ओवरऑल फ्लैग के कलर्स हो जाएंगे ये टोटल, और उसके बाद से ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो गए। इमेज के बारे में डिस्कस कर लें तो इमेज में हमने रेड फोर्ट, लाल किला विथ इंडियन फ्लैग को यूज किया है, देन द इवनिंग स्काई एंड ग्रेनी टेक्सचर बैकग्राउंड। और टाइपफेस में हमने केवल एक टाइपफेस को यूज किया है, दैट इज गैरेट। और गैरेट अगर आप टाइपफेस देखो तो इट इज टोटली फ्री, यू कैन सी हियर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स में हमने एक इंडियन फ्लैग आइकन को यूज किया है, फ्रेम मेश 7 और 8 को यूज किया है, और रेक्टेंगल। और ये सारे जो भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो, इसको फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। जस्ट आपको यहाँ एलिमेंट्स ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने फ्रेम को फाइंड करके रखा हुआ है, 8 को फाइंड करने के लिए जस्ट 8 लिखो, और यहाँ पे फ्रेम्स के ऑप्शन में आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपको 8 मिल जाते हैं। आप किसी भी 8 को चूज कर सकते हो, च्वाइस आपके ऊपर है। इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट्स को फाइंड कर रहे होते हो, अगर आपको नहीं पता कि कैसे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बना रखा है। आई बटन में वीडियो आपका इंतजार कर रहा है, गो एंड चेकआउट दैट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो हमने एसेट्स को प्रॉपरली डिस्कस कर लिया, उसके बाद से अब हम पोस्ट को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना कैनवा ओपन करना है। कैनवा में मैं न्यू यूजर इंटरफेस यूज कर रहा हूँ, सो डोंट वरी फॉर दैट, सब कुछ सेम है। जस्ट थोड़ी बहुत जो डैशबोर्ड है उसकी प्लेसिंग इधर उधर है, मेनू का जो प्लेसिंग है, टूल बार का प्लेसिंग है इधर उधर है, सो डोंट वरी फॉर दैट। तो आपको सबसे पहले तो अपना एक कोई भी एक ब्लैंक टेम्पलेट इंस्टाग्राम पोस्ट का, मतलब 1080x1080 पिक्सल साइज के एक टेम्पलेट को ओपन कर लेना है। तो जैसे आपको एक ब्लैंक टेम्पलेट मिलेगा, सबसे पहले तो इसका नेम चेंज कर लो, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको इसको ओपन करना हो तो आप इजिली फाइंड आउट कर सको और यूज कर सको। तो मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे लिख लिया है। तो आपको पता है कि मैं इस चीज को ब्रेकडाउन मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा, सबसे पहले तो आपको ये ग्रेनी टेक्सचर बैकग्राउंड है, इसको आपको यहाँ पे लेके आना है। जस्ट लेके आने के बाद से पेस्ट करना है, मतलब आप एलिमेंट्स में सर्च आउट कर लोगे, उसके बाद से जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस करने के बाद से राइट क्लिक करना है और सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर देना है। अभी आप देखो कि इसका टेक्सचर काफी ज्यादा ब्राइटर है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि इसका जो हमें टेक्सचर है वो हमें लुक एंड फील प्रोवाइड करे। तो अभी हम लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी को अराउंड 15 रख सकते हैं। उसके बाद से जस्ट जो हमने द इवनिंग स्काई जो हमने सर्च किया था इमेज, उसको हम जस्ट प्लेस करेंगे और इसकी भी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज कर देंगे अराउंड 64। इससे होगा क्या कि जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में टेक्सचर को फिल किया था, वो टेक्सचर थोड़ा सा अपलिफ्ट होने लगेगा इस इमेज से, और ये जो इमेज की हार्शनेस है, जो इमेज इतना ब्राइटर था, वो थोड़ा डिम हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे लाल किला का जो इमेज है, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करके जस्ट प्लेस किया हुआ है। और अगर आप कैनवा प्रो यूज कर रहे हो तो आप बैकग्राउंड को काफी इजिली रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास कैनवा फ्री वर्जन है, फिर भी आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। एक वेबसाइट है, दैट इज बैकग्राउंड रिमूवर, ऐसे अगर आप सर्च करते हो तो बहुत सारे वेबसाइट मिल जाते हैं, नॉट ओनली वन, जैसे remove.bz, यहाँ पे अडोबी का है। तो कोई भी एक वेबसाइट का यूज करके आप बैकग्राउंड रिमूव करके जस्ट आप उसको अपलोड कर लो और यूज कर सकते हो। एंड जस्ट आफ्टर डैट हमने जो फ्रेम सर्च किया था 7 और 8, इसको हमने
इस लाल किला के बैक साइड में प्लेस किया हुआ है। 7 और 8 फ्रेम को प्लेसिंग के टाइम पे आप एक चीज का ख्याल रखना कि इन दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए। अब इसके लिए आप रूलर्स एंड गाइड्स का यूज कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाके सो रूलर्स एंड गाइड्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इसका प्रॉपरली यूज करके इसको प्लेस किया हुआ है। तो जैसे आप प्लेस कर लो, इन दोनों को सेलेक्ट करके मिडिल में रख सकते हो या थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, छू की वो चॉइस। उसके बाद से हम इसमें कलर फिल करेंगे, दैट इज ग्रेडियंट कलर फिल करेंगे। तो ग्रेडियंट कलर फिल करने के लिए आपको जस्ट कलर पे जाना है और यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देन ग्रेडियंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट कलर तो व्हाइट है, दैट इज गुड। सेकंड कलर जो हमारा होना चाहिए दैट इज सेफरन कलर, जो कि फ्लैग में एवव में होता है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे इसका हेक्सा कोड को प्लेस कर देता हूँ। देन वंस अगेन जो ग्रीन कलर है उसका हेक्सा कोड को मैं कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब एक चीज का ध्यान देना कि कभी भी फ्लैग में जो है व्हाइट कलर मिडिल में होता है, तो मिडिल में करने के लिए इसको जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे रख लेंगे। और हम चाहते हैं कि इसका स्टाइल जो है अपसाइड डाउन हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सेम इसको सेलेक्ट करके आप इसको इस तरीके से रख सकते हो। अब एक चीज का और चीज ध्यान देना कि ये दोनों जो है बैकग्राउंड में मर्ज हो रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसके लिए हम इसके बॉर्डर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे राउंड 2, और उसके बाद से कॉर्नर राउंडिंग्स को भी थोड़ा हम इंक्रीज कर देंगे ताकि ये 7 के एडजेस जो हैं वो इतने ज्यादा शार्प ना रहे। सेम इसी तरीके से 8 में भी यही स्टाइल को हम फिल करेंगे। बट अब यहाँ पे बार बार इसको नंबर को फिल अप करना, इट्स लिटिल बिट ट्रिकी। इसके लिए क्या कर सकते हो, 7 को सेलेक्ट करो और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉपी स्टाइल। जस्ट आपको इस पे क्लिक करके इसके ऊपर हेड ओवर करना है, और हेड ओवर करते ही ये सेलेक्ट हो जाएगा। जस्ट इस पे आपको क्लिक कर देना है, तो जो स्टाइल आपको इसमें रहेगा सेम इसमें कॉपी हो जाएगा। ये चीजें जो कॉपी स्टाइल का जो ऑप्शन है, ये टूल हर जगह काम आता है। आप किसी भी स्टेप हो या फ्रेम हो, एनीथिंग, जिस पे भी कोई भी इफेक्ट्स आप अप्लाई किए हो, वो इफेक्ट्स आप दूसरे पे अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज का ख्याल रखना, जैसे अगर ये इमेज है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नहीं होगा, बिकॉज देयर इज समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर हम शेडो लगाए रहे हैं और इमेज का शेडो दूसरे शेडो पे अप्लाई करना चाहें, तो जस्ट कॉपी स्टाइल पे क्लिक करके हम शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉपी स्टाइल जो है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग, किसी भी वन थिंग के दूसरे चीज पे स्टाइल्स को कॉपी करने के लिए, मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसा इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस कॉपी स्टाइल को यूज कर रहे होते हैं। एंड आफ्टर दिस, इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा शेडो क्रिएट हो जाए। तो अब इस डायरेक्टली हम लाल किला पे शेडो क्रिएट करेंगे तो ये टोटल ओवरऑल पे हो जाएगा। शेडो जो होता है ब्लैक कलर होता है, इसीलिए हम ब्लैक कलर का एक ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, ताकि यहीं तक ये डाउन साइड में ही रहे। इसके लिए जस्ट आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है, मतलब एक को नहीं, केवल दोनों को सेलेक्ट करो, दोनों को डुप्लीकेट कर लो कुछ इस तरीके से, और प्रॉपर इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है ताकि ये दोनों, ये सभी के सभी एक दूसरे पे कोलाइड हो जाए। और उसके बाद से जस्ट एक को सेलेक्ट करो, जस्ट गो टू दिस ऑप्शन कलर, और यहाँ पे एड न्यू कलर में जाओ, ग्रेडियंट में जाके अब इसको ब्लैक कलर में आप सेलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से आप ब्लैक कलर सब सेलेक्ट कर लो सबसे पहले। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रेडियंट कैसा रखना चाहते हो। और मैं इसके जो ट्रांसपेरेंसी है वो 0 करूंगा, इसको भी 0 करूंगा कुछ इस तरीके से, इसको भी 0 कर दूंगा एंड इसको भी 0। अब इससे क्या हो रहा है कि ये जो ग्रेडियंट है वो केवल डाउन साइड में जा रहा है। अगर वहीं पे अगर मैं 0 नहीं करता, तो जैसे यह स्टाइल चेंज कर दूं अगर मैं, जैसे इस तरीके से, तो इसी वजह से मैंने इसको ग्रेडियंट को हर एक जो भी कलर मैंने रखा उसकी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज कर दिया और एक के ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज रखा। सेम इसको सेलेक्ट करके हम इसको जस्ट सेलेक्ट कर देंगे, दोनों को सेलेक्ट करो, पोजिशन ऑप्शन पे जाओ और इनको इसके जस्ट लाल किला के नीचे रख दो। नाउ इट्स लुक लिटिल बिट मच मोर बेटर। इसके बाद से अगर आप देखोगे तो यही सारी चीजें मैं ब्रेकडाउन से यहाँ बता रहा हूँ। और उसके बाद से अब यहाँ पे हम इस फ्लैग आइकन को प्लेस करेंगे। अब ये कैसे बनाना है कि ये 8 के जो सेंटर है उसके अंदर से ये निकलता हुआ कुछ इस तरीके से हो, इसके लिए मैं फ्लैग आइकन को जस्ट यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। जस्ट इसके साइज को इंक्रीज करेंगे जस्ट लाइक दिस, और कुछ इस तरीके से आप प्रॉपरली एडजस्ट कर लो। देन जस्ट डुप्लीकेट करो और दोनों को एक साथ सेलेक्ट करो। अब सेलेक्ट करते समय दूसरे किसी और को सेलेक्ट ना कर लेना, केवल इन दोनों को सेलेक्ट करना है, अरेंज पे जाना है। और अब देखो कि ऑलरेडी ये सेंटर अलाइन है, तो कोई इशू हमारा नहीं होने वाला। उसके बाद से जस्ट पहले ऊपर वाले को होल्ड करो, क्रॉप करना है इसको, जस्ट यहाँ पे इस तरीके से क्रॉप करना है कि ये सेंटर तक आ जाए। और जो सेकेंड वाला है, मतलब जिसको हमने क्रॉप नहीं किया, पोजिशन पे जाके जस्ट उसको इस तरीके से डाउन साइड 8 के नीचे ला सकते हो कुछ इस तरीके से। नाउ यू कैन सी कि हमने ये इफेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे देखो कि फोल्डिंग वाला है, तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए जस्ट दोनों को सेलेक्ट करो और इन दोनों का थोड़ा साइज को प्रॉपरली एडजस्ट करोगे तो हो जाएगा।
या समथिंग लाइक दिस यू कैन सी। और जो सेफ्रन के लाइटर टोन थे जो यहाँ पे आपको दिखे वो इसी फ्लैग आइकन में यूज हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो इन सारे कलर को आप प्रॉपरली अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो जो ब्राइटर वर्जन है जो कि ओरिजिनल कलर है हेक्सा कोड उसको भी आप प्रॉपरली इसमें प्लेस करके उसके कलर को एडजस्ट कर सकते हो। चॉइस टोटली आपके ऊपर है। एंड आफ्टर दिस हमने क्या किया है, जस्ट 15 अगस्त लिखा है। टाइपफेस जो हमने यूज किया है डेट इज गैरेट। गैरेट में अगर आप देखोगे तो रेगुलर फॉन्ट को यूज किया है और TH मतलब सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमने इसको अलग से लिखा हुआ है। और इसकी साइज को 20.6 रखा है और इसकी साइज को 45.4 रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट हम कैनवा में मतलब लिख नहीं सकते तो इसीलिए हम उसको अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स लेके हमने लिखा हुआ है। एंड जस्ट आफ्टर डैट हमने ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को अगर आप इसको प्रॉपरली रीड करोगे तो यहाँ से रीडेबिलिटी जो होती है 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ इस तरीके से और 15 अगस्त तो ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को यहाँ पे रखा है। और ये जो कलर आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गैरेट टाइपफेस को यूज किया है। इसमें हमने बोल्ड फॉन्ट को यूज किया है और यहाँ पे हमने इफेक्ट अप्लाई किया है डेट इज आउटलाइन यू कैन सी। थिकनेस हमने 68 रखा है और कलर हमने ब्लैक रखा हुआ है। एंड देन उसके बाद से हमने यहाँ पे कुछ कोट्स को प्लेस किया हुआ है। अगेन कोट्स के लिए हमने गैरेट टाइपफेस यूज किया है और यहाँ पे रेगुलर फॉन्ट को यूज किया है। एंड आफ्टर दिस हमने यहाँ पे ये फ्लैग जो है इसका कलर को प्रॉपरली एडजस्ट किया हुआ है मतलब रखा हुआ है और यहाँ पे वेबसाइट ऐड किया हुआ है। अब ये जो फ्लैग है का कलर जो हमने यहाँ पे बनाया है ये कैसे बनाने के लिए बनाते हैं, इसके लिए आपको एक रेक्टेंगल लेना है। जस्ट इसको आपको डुप्लीकेट कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड वंस अगेन डुप्लीकेट इट, तीनों को सेलेक्ट करो और कुछ इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकते हो, जस्ट इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे सेफ्रन सेलेक्ट कर लो, फिर व्हाइट सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट कर लो। तीनों को सेलेक्ट करके इसको सॉर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से और आप इसको जहाँ चाह वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। नाउ यू कैन सी हमने ये फ्लैग क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पे हमने रख दिया। अब एक चीज का आप ध्यान दो कि यहाँ पे ये रीडेबिलिटी नहीं बन रही है और रीडेबिलिटी बनाने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए एक बार और से हम रेक्टेंगल लेंगे एंड जस्ट यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट दिस ग्रेडियंट और यहाँ पे कलर को ब्लैक रखो, यहाँ पे भी कलर को ब्लैक रखो बट एक के कलर को 0 कर दो और इसकी स्टाइल को कुछ ये रख लो और इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे जाओ कुछ इस तरीके से एंड समथिंग लाइक दिस। नाउ यू कैन सी हमारी रीडेबिलिटी बन गई और कुछ इसी तरीके से यूज करके हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। नाउ आवर टेम्पलेट इज रेडी। नाउ यू कैन सी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप किसी कंपनी के लिए डिजाइन कर रहे हो तो आप उसके लोगो को ऐड कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे लोगो हियर प्लेस किया हुआ है। ये जो www.reallygreatsite.com है यहाँ पे उस कंपनी की वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज कर मतलब प्लेस कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमने इस टेम्पलेट को क्रिएट कर लिया। इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको शेयर ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड और यहाँ पे साइज को मैक्सिमम इंक्रीज कर देना है ताकि मैक्सिमम रिजोल्यूशन और हाई क्वालिटी में डाउनलोड हो। जस्ट सेलेक्ट द करंट पेज, डन एंड देन क्लिक ऑन द डाउनलोड ऑप्शन। नाउ लेट मी शो यू कि ये टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद कैसा दिख रहा है। एज यू कैन सी मैंने इसको डाउनलोड किया था और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये टेम्पलेट कैसा लग रहा है। एंड वन मोर थिंग, ऐसे ही और भी मेरे क्रिएटिव डिजाइंस को अगर इंडिपेंडेंस डे के लिए यूज करना चाहते हो या कोई भी डिजाइंस कोई भी टेम्पलेट्स एडिटेबल वर्जन में चाहते हो तो इसके लिए आपको जस्ट डिजाइन ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है @ आपका राजेश। यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ माई टेम्पलेट और जिनका आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको ये यूज करना है जस्ट क्लिक ऑन डेट एंड ऑप्टिमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस एंड यू कैन यूज इट। नॉट ओनली दिस, आप मुझे कैनवा पे भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के। अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड चाहिए तो जस्ट सर्च योर यू विल फाइंड। एंड अगर आपको इंडिपेंडेंस डे से ही चाहिए रिलेटेड तो आपको जस्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंस टाइप कर लेना है। जैसे कि इफ यू विल सी मैंने इंडिपेंडेंस टाइप किया और यहाँ पे मैंने इतने सारे टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं आपके लिए। सो यू कैन यूज इट फॉर योर पर्सनल और प्रोफेशनल यूज। जस्ट यूज करने के लिए क्या करना है, जैसे आपको ये अच्छा लग रहा है इसको यूज करना चाहते हो जस्ट क्लिक ऑन दिस कस्टमाइज दिस टेम्पलेट और ये टेम्पलेट ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप किसी कंपनी के लोगो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसका लोगो क्रिएट कर सकते हो, उसके कोड्स को चेंज कर सकते हो एंड यू कैन ऑप्टिमाइज इट फॉर योर यूजेस। एंड उसके बाद से डाउनलोड करना है और यूज करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये फेस्टिवल सीरीज अच्छा लग रहा होगा एंड यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम माई वीडियोज। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है बस शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बटन सो डेट आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको कैनवा में कुछ स्पेसिफिक चीजें सीखना है
Let me know in the comment box. I will try to create a specific video on that topic also. So, मिलते हैं किसी next video में किसी next topic के साथ. तब तक के लिए keep smiling, keep shining. Bye bye.